हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो वेलकम बैक अगेन अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर मिस प्रीति फ्रॉम संस्कार गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। सो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग अवर लेशन आई विल टेल यू अबाउट टुडे क्लासेस। इन लास्ट क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन यू सेम लेशन सेम टॉपिक, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लेशन एंड दिस टॉपिक। I am going to explain you how can read over. So today we are going to learn what's the function of international system of numeration and what's the how can read in number, how can write in number part to part, and what's the proper how many parts are there. Okay, so I will explain you. So today we are going to start same lesson, lesson 5, international system of numeration. Okay my dear students, so bring out your notebook and pencil with eraser. Okay, so are you ready for your classes? Yes. Okay, so now starting this lesson, international system of numeration. International system of numeration, after 10,000, 100,000 and million thousand etc. international system of numeration mein hamesha hum dekhte hain 1000 ke baad टू पार्ट्स और एड होते हैं। कौन कौन से? तो थाउजेंड फर्स्ट होते हैं, थाउजेंड सेकेंड, टेन थाउजेंड एंड थर्ड हंड्रेड थाउजेंड। ओके, तो फर्स्ट में जब आप स्टार्ट करते हैं, आपने चार्ट देखा होगा आपकी बुक में, जो चार्ट दिए हुए इंटरनेशनल सिस्टम के, उस चार्ट पे आप ध्यान दिए। उस चार्ट में क्या है, फर्स्ट में स्टार्टिंग है वंस, देन आफ्टर टेंस, देन हंड्रेड, वंस टेंस एंड हंड्रेड, देन आफ्टर डेट हंड्रेड, देन आफ्टर डेट थाउजेंड, देन थाउजेंड आफ्टर 10,000 and then last one is, yes, very good, 100,000. Okay, so three parts are there, we have called one part. Okay, ये तीन parts को हम क्या बोलते हैं, एक one part बोलते हैं, 1000, 10,000 and 100,000 को हम क्या बोलते हैं, one part. ठीक है, तो ऐसे international system में क्या होता है, भारतीय गणन प्रणाली के according international system में हमारे पास 1000, then million, trillion, इस चार्ट में हमारे पास मिलियन ट्रिलियन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, उनके बाद क्या होता है, करोड़ और लाख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, थाउजेंड के बाद मिलियन मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन और ये क्वाड्रिलियन, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो आपको चार्ट वहाँ पे गिवन है, आप चार्ट देखिएगा अपने बुक में और उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, वो चार्ट को आप अपनी कॉपी में आज मेंशन कीजिएगा, तो भी आपको समझ आएगी अच्छी तरीके से। तो हमारे पास मैथमेटिकल्स में, मोस्टली मैथमेटिकल्स में 10 डिजिट 9 डिजिट को ही फॉलो करते हैं। 9 डिजिट से इतने सारे डिजिट, इतने सारे मैथड बनते हैं कि हम इसे एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, बड़ी चीज है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट को ही हम फॉलो करते हैं। नंबर को हम कैसे अरेंज करते हैं, हर पार्ट बाय पार्ट में, हर पॉइंट, जितने भी पार्ट्स होते हैं, मिलियन ट्रिलियन मिलियन थाउजेंड हंड्रेड वन, जितने भी हो गए, सब में हमें क्या करना है, कैसे अरेंज करना है नंबर को, कैसे लिखना है विद हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, हिंदी और इंग्लिश वर्ड में हम कैसे लिखेंगे और नंबर को कैसे अरेंज करते हैं, ये सब हमें ये देखना है। ठीक है, नाउ मोस्टली मैथमेटिकल में सिर्फ ये 10 डिजिट का ही मेन रोल है। इन 10 डिजिट को हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बस ये 10 डिजिट का ही सारा गेम होता है इस मैथ्स में। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 के बाद मिलियन ट्रिलियन बिलियन स्टार्ट हो जाते हैं, और भारतीय गणना प्रणाली में जहाँ पे आप देखोगे लाख करोड़ स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली, और जहाँ बिलियन बिलियन आएगा वहाँ से हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, सो दैट राइटिंग फिगर, हमें क्या करना है, फिगर में लिखना है। ठीक है, ये वर्ड में दिया हुआ है, आपको फिगर में इसमें कन्वर्ट करना है, वर्ड को फिगर में कन्वर्ट करना है। नाउ 608 बिलियन 64, इस वर्ड में बिलियन आ जाए वो हम क्या जानते हैं, वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम का मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो बिलियन 608 बिलियन एंड 64, हाउ कैन राइट इन फिगर, हम इसे फिगर में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। 100 बिलियन, वी नो इट, इन 100 बिलियन है वर्ड 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 वर्ड 10, हमें यहाँ पे 100 बिलियन में कितने डिजिट हो रहे, टोटल
12 डिजिट होते हैं, ठीक है, 1-10 के बाद कितने होंगे, टोटल 11 डिजिट हो गए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें मैनेज करनी है। यहाँ पे बोला है 608, पहले हम 608, तो 8 किस पोजीशन पे है, तो बिलियन पोजीशन पे है, ठीक है, 8 किस पोजीशन पे है, तो 100 बिलियन पोजीशन पे, तो हमें क्या करना है, 600 बिलियन पहले हम अरेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे, 600 बिलियन, आफ्टर 6 के बाद कितने डिजिट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, क्योंकि 10 to the power 11 है, तो 10 का वैल्यू हम 6 में दिए, ठीक है, 10 का वैल्यू क्या किया, 6 में दिए, देन आफ्टर दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 जीरो डिजिट हम क्या किया उसमें ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया तो हमने 6 में ऐड किया, ठीक है, अब यहाँ पे 608 बिलियन, अब हमें क्या मैनेज करना है, इस 8 वाले डिजिट को मैनेज करना है, 8 हम कहाँ मैनेज करेंगे, 608, यानी कि 608 हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, 608 है ना, 3 डिजिट, 10s, 1s, 10s and 100 है ना, वी हैव कॉल 1, 10s and 100, अभी हमें इसमें क्या करना है, 608 बिलियन पे अरेंज करना, तो कैसे करेंगे, वी नो दैट 100 बिलियन हैव अ 11 डिजिट आफ्टर 10 10 टू द पावर 11, तो उसी अकॉर्डिंग हमें यहां पे क्या करना है, 6 टू द पावर 0 11 टाइम्स हमने यहां पे दिया, अब 8 बिलियन, वी नो दैट बिलियन पोजीशन हैव अ 10 टू द पावर 9 डिजिट, 10 के बाद 9 डिजिट होते हैं, ठीक है, 8 हमें अरेंज करना है, तो 8 डिजिट हमें, 8 हम कहाँ अरेंज करेंगे, तो बिलियन की पोजीशन पे आ रहा है 8 बिलियन, तो बिलियन किस पोजीशन पे है, 10 टू द पावर 9, मतलब कि हमें 9 यहाँ पे 100 के बाद हमें 0 9 0 पुट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके एंड 9, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 8 जो है, ये 8 नंबर को हम यहाँ लिखते हैं इस 0 के नीचे, ठीक है, इस 0 के नीचे हम 8 लिखते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या, हमने ये सेट कर दिया 608, हमने 600 बिलियन हमने अरेंज कर दिया फर्स्ट, उसके बाद 8 बिलियन ये हो गया, फिर 64 क्या है, 1s और 10s है ना, 64 60, जिस वर्ड में, जिस नंबर नेम में लास्ट में ty ऐड हो, यानी कि 60, तो उसे हम क्या बोलते हैं, tens, ty, हमेशा आप देखिएगा जब भी tens नंबर पे पोजीशन, जो भी नंबर हो वहाँ पे हम ty को ऐड करते हैं, ty वर्ड में हम t 20, यानी कि 30, दिस इज अ कॉल ऑफ 10th पोजीशन, ओके, 42, दिस इज अ कॉल ऑफ 10th पोजीशन, तो 1s और 10s क्या है यहाँ पे, 60 में टी वाई आ रहा है, तो ये क्या है, इसे हम जानते हैं 10th पोजीशन पे आ गया, और ये 4th क्या है, 1s पोजीशन पे, ठीक है, तो 64 को हमें ऐड करना है, तो राइट हैंड साइड से देखते हैं 64, पहले 4 को हम 1s प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे लिखेंगे, और देन 6 को 10th प्लेस पे, अगर हम इसे पोजीशन देते हैं तो यूनिट 10, 100 इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ बिलियन, यानी कि 100 बिलियन आ रहा है, ओके, नाउ सी 100, ओके, देन 1000, देन आफ्टर दैट 10,000, देन 100,000, देन 10 million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. तो 100 billion के अकॉर्डिंग हमने जब इसे सेट किया, 6 के बाद कितने डिजिट 0 होते हैं, तो 11 0 डिजिट होते हैं, तो हमने 6 के बाद हमने 11 0 डिजिट लिखा, देन उसके बाद 8 billion मतलब सिंपली billion, वहाँ पे ना ही 10 बिलियन बोला गया है, ना ही 100 बिलियन बोला गया, वहाँ पे सिर्फ आपको बिलियन बोला गया है, तो बिलियन किस पोजीशन पे, तो बिलियन के बाद कितने डिजिट होते हैं, देन बिलियन में होते हैं 10 के बाद 9
जीरो डिजिट ऐड करना पड़ता है। तो 90 डिजिट 8 के बाद हमने 90 डिजिट ऐड किया यहाँ पे, फिर उसके बाद आया 64, देन 64 को हमने यूनिट और टेंस में, क्योंकि ये टेंस वाले डिजिट पार्ट्स है और ये क्या है यूनिट्स वाले पार्ट्स है, तो यूनिट और टेंस में हमने क्या किया इसको अरेंज किया। जब हम इसे टोटल ऐड करते हैं, जब हम इसे टोटल ऐड करते हैं 0 + 0 + 4 इसे हमें ऐड करना है, ठीक है, देन 6 0 0 0 हम काउंट करते हैं 6 के बाद कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 6 4 5 6 and 7 देन आफ्टर दैट 0 + 8 8 देन 0 देन लास्ट वन 6 ओके। तो ये हमारा क्या हो गया फिगर में हमने मेंशन किया। अब हम जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम को हमें प्रेजेंट करने के लिए आफ्टर 3 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं कॉमा पुट करते हैं, है ना, आफ्टर 3 डिजिट के बाद क्या करते हैं आप, यस कॉमा पुट करते हैं, तभी हमें पता चलता है ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वाले मैथड है, ठीक है। तो आफ्टर 3 डिजिट के बाद हम जब कॉमा पुट करते हैं हमें राइट हैंड साइड से हमें कॉमा पुट करते हैं, then after 3 digit okay, तो ये क्या हो गया 608 billion 64 आई बात समझ में। पहले हमें जब फिगर में अरेंज करनी हो किसी भी वर्ड्स को जब हम फिगर में अरेंज करते हैं तो आपको इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही इजी मिलेगा, पार्ट बाय पार्ट आप क्या कीजिए अरेंज कीजिए, पहले वर्ड जो है 608 को आप 608 बिलियन का एक पार्ट कीजिए, ठीक है, जिसमें आती है 600 वाली 600 बिलियन की पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 600 बिलियन जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे आपको दिखाया, देन सेकंड में क्या है 8 बिलियन ऑनली बिलियन, नो है बट 10 बिलियन नो है बट 100 बिलियन ऑनली बिलियन इन बिलियन पोजिशन है आफ्टर 10 have a 9 0 digit included, okay? 9 0 digit आपको क्या करना है उसमें include करना है तभी आप billion का method यहाँ पे आप put कर पाओगे। तो billion में क्या होता है 8 के बाद कितने digit आपने put किया यहाँ पे 9 0 put किया, तो ये क्या हो गया 8 billion, then 64 ये क्या है unit and tens, जब हमने इसको total add किया तो ये हमारा plus क्या आ गया figure, इसे हम बोलते हैं how can write in figure, so this method you have used for simply solving, okay? आपको सिंपली अगर सॉल्व करना है तो आपको ये मैथड फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको चार्ट वाली सारी मैथड याद हो गई, चार्ट में जो भी मैंशन की हुई है किस पार्ट में किस पोजिशन में जीरो के बाद कितने डिजिट लगते हैं, अगर ये चीज़ आप याद कर लोगे तो आप इजिली फिगर में क्या करोगे वर्ड को फिगर में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको रिकैप करा दूँ इस चैप्टर के बारे में, इस लेशन इस टॉपिक के बारे में कि क्या हमने पढ़ा और क्या हमने समझा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन व्हेन वी रीड वी हैव गो टू लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, अगर हमें किसी भी नंबर को पढ़ना हो किसी भी नंबर को नंबर नेम देना है तो हम क्या करते हैं जस्ट सिंपली अगर हमें किसी भी नंबर को नंबर नेम देना हो तो हम उसे क्या करते हैं जस्ट सिंपली लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं, यानी कि रीड जब करना हो व्हेन वी रीड एज वी हैव गो टू द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, जब हमें रीड करना हो तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं, जो कि यहाँ से हम यहाँ जाते हैं। तो हमें इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे हम देखते हैं 64,561 तो हमें यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना है ना, यहाँ से हमें स्टार्ट किया यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और यहाँ से फिर ऐड करते हैं, और भारतीय गणना प्रणाली में भी सेम ऐसे ही होती है, जब आपको नंबर पढ़ना हो नंबर को रीड करना हो तो आप ऐसे ही सिंपली यही मैथड यूज करोगे। नाउ सेकेंड फुल प्रोसेस, जब आपको नंबर लिखना है, ठीक है, जब आप नंबर लिख रहे हो आप उसे पार्ट बाय पार्ट अरेंज कर रहे हो तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाना है, राइट टू लेफ्ट, जैसे यहाँ पे ये पोजीशन यूनिट्स में आ जाते हैं ये
tens, ये 100, ये 1000 एंड देन 10,000, ठीक है। तो हम लिखते समय क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं। व्हेन वी पुट इन कॉमा डिजिट, जब भी हम इस डिजिट में कॉमा पुट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो फर्स्ट डिजिट थ्री डिजिट के बाद क्या करते हैं, कॉमा पुट करते हैं, देन आफ्टर थ्री डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। लेकिन भारतीय दंड प्रणाली में क्या होता है, टू थ्री डिजिट फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप में आपको थ्री डिजिट में कॉमा पुट करनी है, देन उसके बाद आफ्टर टू डिजिट के बाद आपको क्या करनी है, कॉमा पुट करते जानी है, भारतीय दंड प्रणाली में। और ये इंटरनेशनल सिस्टम में आपको सिर्फ थ्री डिजिट के बाद कॉमा पुट करनी है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज मेक योर चार्ट इन योर कॉपी एंड प्लीज लर्न इट, ओके। सो टिल नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ योर लाइफ।